एक अमेरिकन को कलमा पढ़ाया तो उसने कलमा पढ़ते दिल पे हाथ लगा था, हाय ऐसे तो हमारे डॉक्टर अख्तर साथी कहने लगे क्या हुआ क्या हुआ। कहने लगा जब से हो संभाला है ये जगह खाली खाली थी, ये जो तुमने कलमा पढ़ाया है यूं लगा जैसे किसी ने मेरा अंदर भर दिया हो, तो मैं खुशी से बेसाख्ता मेरी हाय निकल गई। मैंने कहा बेटी कलमा पढ़ ले, तो मुझे आप पढ़ाओ। उन्होंने कलमा पढ़ाया तो मुझे करना क्या है, आप मस्जिद में आओ कपड़े बदल के। उसका साथ लड़का का ये मेरा खामद है उसको भी कलमा पढ़ाओ। दोनों मियां भी उसने भी कलमा पढ़ा। 3 दिन वहां रहे, उनको सारा तरीका बताया, इस्लामिक सेंटर का एड्रेस दिया, वापस आ गए। कहां से हम टोरंटो। तो 2 महीने गुजर गए, उस लड़की का फोन आया कि हेलो मिस्टर अमीरुद्दीन मुझे पहचानते हैं। कहा हमें लगता है कि वो डेनवर की रकासा है। कहा मैं वही हूँ। क्या हुआ? कहा एक मसला पेश आ गया। क्या हुआ? कहने की गजब हो गया। कहा बताओ तो सही बेटी क्या हो गया? कहा आपने हमें सिखाया दर्श इस्लाम का पाकीज़ा दीन, हमने इस्लाम कबूल किया। मैं उस वक्त एक रात का $500 लेती थी योमिया। फिर मैं घर में बैठ गई। मैंने खामिद से कहा तू मजदूरी कर, तो वो रोजाना $40 लेके आता है। 500 से घट के हम 40 के आ गए। हमें घर बेचना पड़ा, सवारी बेचनी पड़ी। मेरा खामिद काम करता है, मैं घर में होती हूँ। वो आ जाता है, आपने हमें कहा था और रिश्तेदारों को भी इस्लाम की दावत दो। हम दोनों मियां बीवी मिलकर फिर हम अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं शाम को और उन्हें ईमान की दावत देते हैं। आज मैं और मेरा खामिद हम बस में सवार थे और हम जा रहे थे तो बस को झटका लगा तो मेरा कुर्ते के आस्तीन पीछे हट गया और मेरी कलाई नंगी हो गई। क्या इस पर मैं दोजख में तो नहीं जाऊंगी? और ये कहकर रोना शुरू कर दिया। कल को एक लड़की नंगे स्टेज पे नाच रही है और आज वो रो रही है कि मेरी कलाई नंगी हो गई, क्या मैं दोजख में तो नहीं जाऊंगी? हमारी बेटियां लिबास मुख्तसर करती जा रही हैं और नंगी नाचने वाली ऐसे लिबास और हया की चादर में आ रही है, तो कलाई के नंगे होने पर रो रो के पूछ रही है कि दोजख में तो नहीं जाऊंगी। इसलिए हम कहते हैं किसी मुसलमान को हकीर न समझो, जो जितना गुनाहगार है उतनी उससे ज्यादा मोहब्बत करो, नफरत न करो। हमें नफरत नहीं सिखाई गई, हमें मोहब्बतें सिखाई गई हैं। हाँ हमें उनकी नाफरमानी से नफरत, हमें उनके गुनाहों से नफरत, हमें उनकी गफलत से नफरत है। हम उनके लिए रोएंगे तड़पेंगे, अल्लाह से मांगेंगे। हम एक कश्ती के सवार हैं, अगर हमने इनको न रोका, अगर ये सफीना डूबा तो हम भी साथ डूबेंगे।